हेलो केजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज है फ्राइडे, वीकेंड है आज और बच्चे स्कूल गए हैं। बस कल दो दिन छुट्टी। तनिष अभी सो रहा है क्योंकि आज का दिन उसको रिलैक्स मिलता है। आज का दिन कोई क्लास नहीं होती, कल परसों फिर स्पेनिश की क्लास होगी। बस चलते हैं किचन में, आज अमावस्या है, चावल वगैरह बनाने हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं। बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। अब चलते हैं किचन में। यहाँ आ चुके हैं किचन में, एक लॉट बन गया चावलों का और मैं ना यहाँ पे सोचूं भिंडी भी बना दूँ। भिंडी ना काट के रख दी है तो ये तो ख़राब हो जाएगी, तो भिंडी बना देते हैं और ये दूसरे लॉट की भी तैयारी है। बस चावल बन जाएंगे और आज दोपहर को तो बच्चे चावल ही खाएंगे। वैसे अगर तनिष खाएगा भिंडी के साथ रोटी तो खा लेगा, आज उठा नहीं है, अभी सो रहा है। चलो सोने देते हैं। और मुक्ति क्या कर रही है, हेलो कर दो। समेटा समाटी जो बच्चों ने इधर उधर सामान रखा हुआ है, सुबह का टाइम तो ऐसे ही जाता है। बस ये कर लेते हैं फटाफट। तनिष उठ चुका है, हेलो कर दे। और ये बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा है, अभी मिस्ट्री मैन को कहीं बहुत जरूरी काम के लिए पहुंचना है और ये उनको छोड़ने जा रहा है। और देखो कितना, और पहले इसने टी शर्ट पहनी, हमने दो मिनट में बोला कि अच्छी नहीं लग रही, इसे चेंज कर लिए कपड़े, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल, पर बड़ा अच्छा लग रहा है। शोरू वेरी शोरू नहीं सॉरी तंचु वेरी नाइस। चलो हेलो तो कर दे, हेलो। मस्त पेपर किया, 35 आ जाएंगे, 40 में वेरी गुड। पक्का ना? हां जी। चलो और गर्मी में और मन इसने, नहीं करता। और इसने वही बनाया है, रोटी को नान वाली शेप में बनवा ली है। बस नान है, नान ही है ये। रोटी है ब्रो, रोटी मस्त है। यहाँ चाची मेरे को दे चुकी है खाना, अमावस्या वाले चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। कैसे बने? सही मस्त। यहाँ पे डिमांड आ चुकी है राजा बाबू की, आमरस खाने की। आमना अच्छा आने लगता, बड़ा बहुत अच्छा आ गया। बारिशों के बाद मम्मी कहते अच्छे हो जाते हैं। आमरस है कहाँ की फेमस डिश? मुंबई? ये बॉम्बे में, कोलकाता महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र से क्या याद आता है, और महाराष्ट्र से याद जो वेलकम हुआ है इंडियन टीम का, यार गूज़बम्स। मेरे को ना कल तनिष कह रहा, मैं तो इंस्टा वैसे कम थोड़ा देखती हूँ, तो कल तनिष मेरे को कह रहा है चाची क्या है, फेस्टिवल है ये, क्यों ब्लॉग क्यों हुई है। मेरे को बिल्कुल इंडियन टीम आई होगी। और आज हमारी सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है बॉम्बे से, निहारिका ने आज वो मुझे वीडियोस भेजी, उसके हस्बैंड ने बनाई होगी लाइव, उन्होंने जो देखा, लाइव जो उन्होंने देखा तो उन्होंने भेजी। यहाँ गिफ्ट्स लग चुकी होगी देखना मतलब, और उसको ये लगा कि हमारे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज जैसे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पास जो जरिया है वो YouTube का अपना हमारा ब्लॉगिंग है, और आपके पास है कि DM करके हमें बता सकते हो, तो पर उसने भेजी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लगा पर्सनली हम लोगों ने देख लिया। True. तो यार ये इतना जो रिस्पेक्ट है और इतना जो सेलिब्रेशन था, डिजर्व करती है हमारी इंडियन टीम, और हैट्स ऑफ है। हार के भी आती ना तो भी कुछ नहीं था यार, अपना 100% हर बंदा देता है, बट वही है रिजल्ट, हर बारी विन नहीं करते, हर बारी आप हारते नहीं हो, तो हर आसन आ चुकी है। कैसा रहा आपका स्कूल? लंच हो चुका है, अभी सना की मैम आने वाली हैं, शौर्य के सर आने वाले हैं। शौर्य को तो सो गया था एक्चुअली, रात को सोया नहीं था, रात को पता बहुत लेट सोया, 2:30 सोया और सुबह 5 बजे फिर उठ गया था, तो अभी तो सो ही रहा हूँ, उसको उठा नहीं रही, उठाऊंगी अभी थोड़ी देर तक। मौसम भी ऐसा हो गया, बारिश वाला ऐसा काला हो रहा है। बस अभी बच्चों की क्लास वैस हो जाए, उसके बाद रात को तो कुछ ऐसा बनाना नहीं है कि क्या बनेगा यार, क्योंकि भिंडी भी मैंने सुबह बनाई ली थी, जिसने खाना होगा पुलाव खा लेगा, नहीं तो भिंडी खा लेंगे। और बस अभी थोड़ी देर में इनसे मिलती हूँ, इनसे क्या मिलती हूँ, एक गेम में हम खेलेंगे, जो पढ़ाई कर लें पहले, पढ़ाई से फ्री हो जाएं फिर करेंगे। और जल्दी ही हम संडे को वो जो एपिसोड बोला था वो भी लेके आ रहे हैं, कॉफ़ी विद क्रेजी फैम, वो भी करेंगे। और फर्स्ट गेस्ट होने वाली है क्रेजी चाची, मैं तो उसका भी शूट करना है सैटरडे को, वो रखा करेंगे ताकि संडे के संडे जितने मेम्बर्स हैं उतना 3-4 एपिसोड तो आ ही सकते हैं। और देखते हैं फर्स्ट का क्या वो रहता है, कि कैसा आप लोगों को कैसा मज़ा आता है नहीं आता, मुझे लगता है अच्छा लगेगा, आपको जानने को मिलेगा कुछ हमारे बारे में, कुछ और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा, जो कई क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिल में भी हैं कि ये चीज़ पूछी जानी चाहिए, तो पूछते हैं एक दूसरे से, वो भी चीज़ करनी है। और बस अभी खाने को तो कुछ है नहीं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्रेजी फैम ये आ चुकी है मेरी, ये स्टैंडिंग स्टीमर वाली वो प्रेस, मुझे बड़े टाइम से चाहिए थी यार ये, कल मिस्ट्री मैन को बोला ये है हाई प्रेशर गारमेंट स्टीमर, और अच्छा लग रहा है, ये है रोजमैन, और देखते हैं कैसा है, क्योंकि ना मैंने ये दीदी को भी देखा वहाँ, हम ना वहाँ ले गए थे वेन्यू पे ले गए, तो बहुत काम आई यार, सबके कपड़े पता है बिल्कुल ऐसे क्रश थे, और वहाँ मैंने भी कर दी, इतनी इजी लग रही थी, तो कल मिस्ट्री मैन को मैंने कहा यार ये होना ज़रूरी है घर में, पहले मुझे लग रहा था जगह चाहिए होती है प्रॉपर, पर ये है इससे ईजी हो जाता है, कभी भी कहीं भी वो क्या कहते हैं पानी भर के रख दो, और करके दिखाऊंगी आपको कितनी प्रैक्टिकल, अभी तो मैंने यूज़ किया है ना दीदी के घर 1-2 दिन, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है।
तो इसलिए ये मंगवा लिया और अभी असेंबल कर रहे हैं मिस्त्री मैन और यूज करके देखेंगे। ये देखो ये क्या था ना, ये नीचे दिखा ना। अच्छा ये गर्म ना लगे ना, इधर आ जाओ। इसमें और यहाँ पे रखेंगे ना, जैसे अब स्टीम आनी शुरू हुई स्टैंड पे रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी ये देखो कॉटन पे ब्लिंक हो रहा है ना, यहाँ से आप मेन्यू पे डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे कौन किस पे जाना है। देखते हैं अभी कितना, दीदी वाली तो बहुत अच्छी थी, वो आनी शुरू हुई है स्टीम। कहते हैं इतना पानी अगर भर लोगे ना तो 90 आवर्स चलता है, और स्टीम का भी वो ऑप्शन है, बट हमें तो इतनी बहुत है। और ये कॉर्नर बड़ा बेस्ट मिल गया ना, यहीं पे कर लो प्रेस। देखते हैं अभी, लेट्स सी इफ हम आते बिल्कुल इसमें। ये देख यार, देख दिखा, बिल्कुल क्रीसेस जा रही हैं। ये देखो, ये हमने मिस्ट्री मैन की शर्ट पकड़ी है एज बली का बकरा। नहीं उन्होंने बोला, और इसमें कोई कह रहे हैं वाटर का ना कुछ, कोई ड्रॉपलेट्स कुछ नहीं आएंगे। अब मैं भी करूंगी, पकड़ो मसा, पकड़ो बाहर से कपड़े प्रेस कराने। मैं पकड़ो, मैं करूंगी। चलिए कुछ तो बच्चे काम करेंगे। ये कह रहा मुंह पे स्टीम लेना, और क्या भाई? सही है, और क्या जुकाम में ले लो इसको, डबल काम। चलो डबल काम। ये देखो इसको मैं करना बता रही हूँ, कभी जाना होता है वरना देखना पड़ता है कि वो देख। ये इस टाइम क्रश है, बिल्कुल धुल के आई है। देखो करके दिखा, चल पास बिल्कुल टच करा ले, बिल्कुल वाटर स्केलिंग कुछ नहीं, वाटर के ड्रॉप्स नहीं, बिल्कुल पास टच कर जैसे प्रेस को करते हैं। हाँ अभी हो जाएगा क्रेजी, मैं फिर दिखाती हूँ। यार परफेक्टली हो गई, बहुत बढ़िया यार। और ये देखो कितनी बढ़िया से हो गई यार, मतलब एक है कंफर्टेबल है, एक होता है ना कि। और एक कॉर्नर भी अच्छा लगा मुझे कि हाँ कॉर्नर पे रख दिया, सुंदर लग रहा है, गोल्डन ही उसके साथ ना, बहुत कॉम्पैक्ट सी। और जहाँ स्टैंड पे रख दो तो वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, मतलब मुझे अच्छी लगी और काम भी बहुत अच्छी आने वाली है। अभी कुणाल आता तो उसको भी दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग नहीं शूट की, आपको दिखा दिया मैंने प्रैक्टिकल करके, और आगे भी करूँगी तो यूज़ तो दिखाऊँगी। अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, और अमेजोन से मंगवाई थी, और बस यही है। अभी तनिष आ चुका है जिम से, तनिष को तो दिखाई दी। अभी शौर्य थोड़ी देर पढ़ाई करेगा, इंग्लिश का एग्जाम है, पर उसके बाद जिम जाएगा आज, वो लेट जाएगा 8-9 बजे तक। और आज एक गेम सोची हुई है बहुत बढ़िया, वो भी खेलेंगे। तो कुणाल आता है तो मिलते हैं आपसे। चलो जी, शौर्य जा रहा है जिम में और सना की वहाँ क्लास चल रही है, देखो सिंगिंग की, और बड़े टाइम बाद सना की क्लास शुरू हुई है सिंगिंग की। चलो और मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, तनिष अपनी रेस देख रहा है जो भी देखता है। शौर्य जल्दी आइयो बेटा, कुणाल आ चुका है। और कुणाल तेरे लिए सरप्राइज है, तुझे एक चीज नहीं पता, जल्दी आ बाहर, तुझे एक चीज दिखाऊं, जल्दी आ, जल्दी आना बेटा। हाँ ड्राइंग रूम में जा, जल्दी जा, जल्दी जा। ओह यूट्यूब लाइव, जाके देख तो सही, की बड़ी जिंदगी सबर के जाएगी। मेरा शौक था पता है, सुंदर कितना है, ये फायदा है नॉर्मल पागल है क्या। अभी मैंने करी है इनकी शर्ट और तनिष की टी शर्ट, और ये देख यहाँ सुंदर कितनी लग रही है। और, हो गया। और ये फिर मैंने मिस्ट्री मैन को बोला तो उन्होंने, तेरे को पता ही है, फिर उन्होंने ढूंढी ना। और सना की क्लास ओवर हो गई, और अब देखो कितनी खुश है, इसके मतलब टीथ ठीक होना शुरू हो रहे हैं, तभी प्राठी मांग रही है। सिंगिंग की क्लास बड़े टाइम बाद विशारद की। कैसा रहा सना, फर्स्ट क्लास मजा आया? डिफिकल्ट है, हां जी उससे डिफिकल्ट है, कर लोगे, लेकिन आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चंदू चैंपियन। सना अभी भी आपको मुंह वाइड ओपन करके खाना पड़ रहा है यार, बस ये प्रॉब्लम है इसमें, वाइड ओपन करना पड़ रहा है ना मुंह। कोई बात नहीं, खाया तो जा रहा है ना, दर्द खाया तो जा रहा है। चलो अब फाइनली खाना तो खाने लग गई, मैं थोड़ी इल मैनर्ड। और आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि हाँ दूध से नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है, और नहीं है सना। हाँ। तनिष भी बोल रहा था और कमेंट भी आए हैं। और आपका शेफ क्रेजी तनिष, ये क्या क्या है ये तनिष, ये क्या चीज है? ओवरनाइट ओट्स पर इसमें कुछ रिएक्शन लग रहा है मेरे को, मैंगो। है। बड़े दिनों बाद यार उसको टाइम मिला पढ़ाई से हटके, तो इसलिए वो गया अब जिम। उसका है इंग्लिश का पेपर। यस आपका दोस्त और आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नहीं है, नहीं है ये आपका दोस्त और होस्ट। गेम ले आया हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा है ना को। हाँ और शौर्य के बिना खेल रहे हैं। लेट हो जाएगा काफी। सबसे पहली कंटेस्टेंट आ चुकी है चाची, चलो कर दो चढ़ाई। वेल डन,
बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन। ओए होए 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 ओए होए होए एक तो मार दो चाची, क्या कर रहे हो? नहीं सिलेक्ट हो पाओगे रोडीज पे चाची। ये चाची को पता नहीं क्या हो गया, वो छोरे की जगह लेना चाहती है, पता नहीं क्या चाहती है। चलो अब आ चुकी है सना, जो हंस रहे थे ना मेरे पास, आ देखो ये अच्छा खेलेगी मेरे को लग रहा है। ओए ओए क्या वो कैसे भी करे, ओवर हैंड है, ओवर हैंड ही खेलना है। ओ वन सना, तनिष को नहीं मारना, अरे नहीं मारना है, ठीक है सही है। ओ चल सना, ओ दो, एक और सना, चल यार सना का स्कोर है 2। मेरा वन हुआ ना, आपका 0 है चाची। यार ये अपनी बारी में इसी बन कर रहा था ना। नहीं मत बोलो कसम से चाची की। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, मेरी कसम जैसे गीता की कसम होती है ना इस घर में, मेरी कसम। चलो 3 2 1 गो। चल तनिष सना से जीत ले। नाउ फाइट। चल चल ओए चीटर, तब भी नहीं जीत पाया, मारी नहीं जाएगी, नहीं छोड़ी जाएगी, उसने एक्स्ट्रा बॉल ली है, चीटिंग नहीं है, मेरा स्कोर 2 है सना और 2। नहीं नहीं ली है, कैमरे में दिखा करे ना, चीटर है ये, चीटर, इसका भी 2 स्कोर है सना की जितना। चलो आपको नार भी की बैठी है, 3 2 1 कम ऑन। नहीं पोडियम में है, चलो चलो वेरी गुड। अभी ये कह रहा मैं फिर से खेलूंगा, अभी ऑफ कैमरा, बहुत मजा आया, शौर्य को मिस किया, हां डेफिनेटली मिस किया। और ये मैंने ही इन्वेंट करी है, ये हमने देखी भी नहीं कभी। बार बार सुनते रहो इसकी कॉपीराइट जो है, चलो पूरे राइट्स इसके पास है, और क्रेजी फैन के पास है। शाउट आउट जाता है जेसिका को, जेसिका थैंक यू सो मच, कहां से हो तुम बताना जरूर। उसने बताया कि जब अगर पीसीओडी वगैरह आपको हो जाता है तब आप दूध का दस बोल रहा हूँ। इसने भी बोला, जेसिका ने भी बोला है, थैंक यू सो मच, अपना समझ के तुमने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बताना कहाँ से जुड़ी हुई हो। एंडिंग कर दो, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।